आप सब बहन का इसलार क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज आपको फार्म से ये सुंदर सा थाल पोस बुनना सिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जो बहन पहली बार चैनल पर वीडियो देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की नई नई डिजाइनें आपको इस चैनल पर सीखने को मिलती रहेंगी। इसी तरह से इससे बड़ा थाल पोस बुनने के लिए येलो कलर की 2 रील, 1 रील वाइट कलर की और 1 रील ग्रीन कलर की। सबसे पहले इस तरह से गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद 5 चैन बुनना है, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट चैन से जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद फिर 1, 2, 3 चैन, फिर 1, 2, इस छेद में डाल करके फंदा निकालना है। 2 से फंदा निकालेंगे पहले, फिर 2 से निकालेंगे, 2 ये छोड़ देंगे, 1, 2, फिर इसमें डाल करके 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालना है, फिर 3 फंदे हैं एक साथ निकालेंगे, तो 5 चैन बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 चैन बुन करके 1, 2 इसमें डाल करके इस छेद में 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालना है, 2 छोड़ देना है, 1, 2, फिर इस छेद में डाल करके 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, हमारे 3 फंदे छूट जाएंगे, 2 से निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, 4 फंदे, देखिए इसमें 3 होंगे और इसमें 4 है, ये वाला एक फंदा बढ़ जाएगा, तो इसमें 4 फंदे होंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5। फिर से इसी तरह से जब ये 6 हो जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 की चैन बुन करके यहां से जोड़ देना है इस तरह से, जोड़ देना है 1 चैन बुन करके, यहां से धागा कट करेंगे। अब येलो कलर की ऊन जोड़नी है किसी भी छेद से, आप ये 5 की चैन है किसी भी छेद से जोड़ सकती हैं, यहां से इस तरह से जोड़ने के बाद अब बुनेंगे हम 4 चैन, 1, 2, 3, 4। 4 चैन फिर 1, 2, 3 इस छेद में डाल करके इस तरह से 2 से फंदा निकालना है, फिर 2 से निकालेंगे, 1, 2, 2 हो गए, फिर 1, 2, 2 चैन बुनना है, फिर से देखिए 1, 2, 3, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे फंदा, फिर 2 से निकालेंगे, 1, 2, 3 इसमें डाल करके फिर से देखिए 2 से फंदा निकालना है, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, ये भी 2 की हो गई और ये भी 2 की हो गई, फिर 2 की चैन बननी है, 2 चैन बन करके 1, 2, 3 इसमें डाल करके 2 से फंदा, फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर से देखिए फिर 2 से, 1, 2, 3 चैन में डाल करके 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, ये भी, तो इस तरह से फिर 2 की चैन बुन करके इस चैन में 1, 2, 3 इसमें डाल करके उसी तरह से 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से निकालना है, फिर 1, 2, 3 इसमें डाल करके 2 से निकालेंगे फंदा, फिर 2 से, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 की चैन बुन करके फिर इसी तरह से 2 और हो जाएंगे, इस तरह से 3 हो जाएंगे, फिर 2 की चैन बुन करके इसमें बुनेंगे, तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके जो 3 की चैन बुनी थी उसी से इसे जोड़ देंगे यहां से, फिर से देखिए एक बार इस तरह से जोड़ देंगे, यहां से 1 चैन बुन करके धागा कट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट करके व्हाइट कलर की फॉर्म से कि यहां से
यहाँ से जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर टू चैन बुनेंगे, वन टू, टू चैन बुन करके इसमें वन डबल क्रोशिया बुनेंगे, टू से फंदा निकालेंगे फिर टू से निकालेंगे। अब इसमें टू डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, फिर इसी में डाल करके बुनना है, ये हो गई टू डबल क्रोशिया। इसमें डाल करके टू डबल क्रोशिया बुनेंगे, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया। देखिए इसमें इसमें हमें इसमें डाल करके पहले वन डबल क्रोशिया बुनना है, वन डबल क्रोशिया, फिर टू, टू चैन बुनेंगे, फिर इसी में टू चैन बुन करके फिर सिंगल क्रोशिया, टू चैन बुन करके फिर इसमें डाल करके सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। फिर टू की चैन बुनेंगे, यहां से शुरुआत करनी है तो इस तरह से करेंगे। पहले इसमें डाल करके हम सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, फिर टू चैन बुनेंगे, टू चैन बुन करके इसमें डाल करके बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ पे शुरुआत की थी। इसमें बुनेंगे टू डबल क्रोशिया, वन, फिर इसी में डाल करके बुनना है टू डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे, टू डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे, फिर इसमें वन डबल क्रोशिया बुनेंगे, टू चैन सिंगल क्रोशिया के साथ इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके जो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया शुरुआत की थी सिंगल क्रोशिया से, तो यहाँ यहीं से जोड़ देंगे, वन चैन बुन करके धागा कट करेंगे। ग्रीन कलर की ऊन फिर से जोड़नी, जो येलो कलर की टू चैन है और टू चैन व्हाइट कलर की है, तो यहीं से इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद वन टू थ्री फोर, फोर चैन बुनेंगे, वन टू थ्री इसमें डाल करके फंदा निकालना है, उसी तरह से जैसे इसमें बुना टू से, फिर टू से, टू से, फिर टू से निकालेंगे, वन टू थ्री इसमें डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से निकालेंगे, फिर टू से, फिर टू से, फिर थ्री हो गए, फिर थ्री चैन बीच में, वन टू थ्री, थ्री चैन बुन करके फिर इसी तरह से वन टू थ्री इसमें डाल करके टू से, टू से निकालेंगे फंदा, फिर टू से, फिर टू से निकालेंगे, वन टू थ्री इसी में डाल करके टू से निकालेंगे, फिर टू से, टू से, देखिए फिर टू से निकालना है, टू हुए, फिर वन टू थ्री फिर से एक बार बुनेंगे, तो फंदा निकालेंगे टू से, फिर टू से, टू से फंदा निकालना है और फिर टू से, तो इस तरह से थ्री थ्री की हो गई, बीच में थ्री की चैन हो गई। चैन बुनने के बाद फिर फाइव चैन, वन, देखिए थ्री इस तरह से बुनने के बाद इसमें थ्री की चैन है, यहाँ पे फाइव की चैन हो जाएगी, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव की चैन बुन करके वन टू थ्री इसमें डाल करके सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है इस तरह से, इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से फाइव चैन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन बुन करके जो टू की येलो और टू की ये व्हाइट कलर की चैन है इसमें फिर से वन टू थ्री इसमें डाल करके इस तरह से फिर से, देखिए उसी तरह से बुन लेना है। फिर से देखिए एक बार, थ्री फंदे हुए, टू से निकालना, टू से निकालना फंदा, फिर टू से, फिर टू से, तो वन हुआ, टू से निकालना फंदा, फिर टू से, फिर टू से निकालना है और फिर टू से निकालना है, वन टू थ्री इसमें डाल करके टू से निकालेंगे, टू से फंदा, फिर टू से, फिर टू से, थ्री की हो गई, फिर थ्री चैन जैसे इसमें भी नहीं, वन टू थ्री चैन, थ्री चैन उठ करके वन टू थ्री
वन टू, इस तरह से वन टू थ्री इसमें डाल करके टू से निकालें, फिर टू से, फिर टू से और फिर टू से, वन टू थ्री फिर इसी में डाल करके टू से निकालना है, फिर टू से, फिर टू से और फिर टू से, तो ये भी थ्री की होगी। बीच में यहाँ पे थ्री की चैन है, फिर फाइव चैन बुनेंगे, वन टू थ्री इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, फाइव चैन बुन करके इसमें डाल करके बुनेंगे। तो इस तरह से राउंड बुन लेते हैं, ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में यहां से जोड़ देना है, यहां से जोड़ना है जो थ्री की चैन थी उसी के फर्स्ट वाली चैन से, जैसे देखिए यहां से जोड़ना है। जोड़ने के बाद वन चैन बुनेंगे, धागा कट करेंगे, येलो कलर की ऊन जोड़नी है यहां से, जो ये फाइव की चैन थी उसी से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद थ्री चैन, वन टू थ्री चैन, अब इस तरह से बुनेंगे थ्री चैन, वन टू थ्री डाल करके फंदा निकालेंगे, इस तरह से देखिए टू से निकालेंगे फंदा, फिर टू से निकालना है, फिर टू से और फिर टू से, फिर वन टू थ्री इसी चैन में डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से, टू से निकालेंगे, फिर टू से निकालेंगे, इस तरह से थ्री का हो गया। टू ही रखनी है जैसे टू थी, थ्री नहीं रखनी, फिर टू चैन बुननी है, टू चैन बुन करके वन टू थ्री इसमें डाल करके फिर इस तरह से बुनेंगे, टू से फंदा निकालेंगे, टू से निकालेंगे, फिर टू से, फिर टू से, वन टू थ्री इसमें डाल करके टू से फंदा निकालना है, फिर टू से, फिर टू से और फिर टू से, तो ये टू के हो गए। फिर टू चैन बुनना है, टू चैन बुन करके वन टू थ्री इसी में डाल करके टू से निकालेंगे, टू से फंदा, फिर टू से, फिर टू से, वन टू थ्री इसमें डाल करके टू टू से निकालते जाएंगे फंदा, थ्री का हो गया। अब यहां पे टू की चैन बुन करके इसमें डाल करके, इसमें डाल करके इस तरह से जैसे इसमें बुना है, टू से निकालेंगे, टू से निकालेंगे, फिर टू से फंदा, फिर टू से, वन टू थ्री इसमें डाल करके टू से निकालते जाएंगे, फिर वन टू, टू चैन इसी में डाल करके वन टू थ्री, टू से निकालेंगे, टू से, टू से, फिर टू से, फिर टू की चैन बुनना है, टू थ्री इसी में डाल करके वन टू थ्री, इस तरह से ये देखिए थ्री थ्री के हो गए। और फिर टू, टू चैन बुन करके इसमें डाल करके इसी तरह से बुनेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद यहां से हमने जोड़ दिया है, जो थ्री की चैन बुनी थी उसी से जोड़ने के बाद धागा कट करके अब व्हाइट कलर से जैसे इसमें बुना है सेम इसी तरह से इसमें बुनेंगे, यहां से इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद टू चैन, वन टू चैन, वन डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे और इसमें बुनेंगे टू डबल क्रोशिया, वन फिर इसी में डाल करके टू डबल क्रोशिया इसमें डाल करके बुनेंगे, टू डबल क्रोशिया, वन टू डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे, टू डबल क्रोशिया, वन टू डबल क्रोशिया। अब इसमें पहले वन डबल क्रोशिया बुनेंगे, ये वन डबल क्रोशिया हो गए, टू चैन बुनना है और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ इसी में जोड़ देना है, फिर टू चैन बुनेंगे, टू चैन बुन करके
इसमें नेक्स्ट इसमें डाल करके सिंगल क्रोशिया के साथ फिर टू चैन फिर वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में टू डबल क्रोशिया, इसमें टू डबल क्रोशिया, इसमें टू डबल क्रोशिया, इसमें वन डबल क्रोशिया, टू चैन और सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना, फिर टू चैन बुनेंगे इसमें, इस तरह से राउंड बुन लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू के चैन बुन करके जो सिंगल क्रोशिया थी उसी से जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद व्हाइट कलर का धागा कट करेंगे, ग्रीन के ऊपर ग्रीन बुनना है, जो येलो के टू की चैन है टू व्हाइट की चैन है, यहां से ग्रीन कलर का धागा जोड़ेंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ फिर फोर्थ चैन बुनना है, वन टू थ्री फोर, सेम इसी तरह से बुनना है, तो वन टू थ्री इसमें डाल करके टू से फंदा निकालते जाएंगे, टू से टू टू से फंदा निकालते जाएंगे, वन टू थ्री इसी में डाल करके टू से फिर टू से निकालेंगे, टू से फिर टू से, बीच में थ्री की चैन थी तो थ्री की चैन, वन टू थ्री, थ्री की चैन, वन टू थ्री इसी में डाल करके बुनना है, टू से फंदा निकालते जाना है, वन हुआ इसी में डाल करके टू से फिर टू से फिर टू से फिर टू से, टू हुए वन टू थ्री, टू से टू से फिर टू से फिर टू से, फाइव की चैन, वन टू थ्री फोर फाइव, पहले एक पत्ती फिर दो पत्ती, अब हमें तीन पत्ती बुननी है, तो उसके लिए फाइव चैन बुने, यहां से देखिए वन टू थ्री फोर, इसमें डाल करके सिंगल क्रोशिया पीछे से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है, फिर फाइव चैन, वन टू थ्री फोर फाइव चैन, अब यहां पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें डाल करके यहां से जोड़ेंगे, ये देखिए इसमें जो इसमें जोड़ने के बाद टू इधर है इसमें जुड़ा, और इसमें फिर वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन बुन करके देखिए थ्री, ये देखिए यहां से जोड़ने के बाद थ्री इधर थे तो यहां से जोड़ा थ्री इधर है, फिर वन टू थ्री इसमें डाल करके टू से फंदा इसी तरह से बुनते जाएंगे, टू से फिर टू से फिर टू से फिर टू से, वन हुआ वन टू थ्री इसी में डाल करके बुनना है, टू से फंदा निकालना, फिर टू से फिर टू से फिर टू से, टू है वन टू थ्री इसी में डाल करके टू से फंदा निकालना, फिर टू से फिर टू से फिर टू से, फिर थ्री की चैन, वन टू थ्री चैन, फिर इसी में बुनना है, इसी में बुनकर टू से फंदा निकालना, टू से फिर टू से फिर टू से फिर टू से, फिर वन टू थ्री फिर इसी में डाल करके बुनना है, टू से फंदा निकालना, टू से निकालना, फिर टू से फिर टू से, वन टू थ्री इसी में डाल करके टू से फंदा निकालते जाएंगे, टू से टू से टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से, फिर फाइव की चैन बुन करके वन टू थ्री फोर इसमें जोड़ना है, फाइव की चैन बुन करके फिर फाइव की चैन बुनेंगे, फिर वन टू थ्री फोर फाइव इसमें आएगा, इसमें जोड़ेंगे, फिर फाइव की चैन बुनेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, इसके साथ यहाँ पे इसके साथ बुनेंगे जैसे हमने इसमें बुना है, तो इस तरह से राउंड बुन लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में यहां से जोड़ देना है जहां से हमने शुरुआत की थी, थ्री चैन से फर्स्ट वाली चैन से जोड़ देना है, वन चैन बुनेंगे, धागा कट करेंगे, ये राउंड कंप्लीट करके ये थ्री है, थ्री में बुनना है हमें, यहां से फर्स्ट में जोड़ देते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर वन टू थ्री फोर, फोर चैन, वन टू थ्री जैसे हमने से होना डाल करके फंदा निकालते जाएंगे, टू से फिर टू से फिर टू से, तो टू के हो गए फिर टू चैन वन टू थ्री,
इसी में डाल करके बुनना है, टू से फंदा निकालना, फिर टू से, फिर टू से और फिर टू से, वन हुआ, फिर वन टू थ्री, इसी में डाल करके टू से फंदा निकालना, फिर टू से, फिर टू से, फिर टू से, टू के हो गए, फिर टू चैन, टू चैन बुन करके फिर इसी में डालेंगे, इसमें डाल करके बुनेंगे, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से, फिर टू से, फिर टू से, वन हुआ, इसी में डालना है, डाल करके बुनना है, टू से फंदा निकालना, फिर टू से, फिर टू से, फिर टू से, तो थ्री का हो गया इस तरह से, फिर टू चैन, वन टू, टू चैन, अब सेकंड में डाल करके बुनेंगे, सेकंड चैन इसमें डाल करके बुनेंगे इसी तरह से, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से, फिर टू से, फिर टू से, तो इस तरह से जैसे इसमें बुना है इसमें बुन लेते हैं, फिर टू के चैन बुन करके इसमें बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, तीनों में बुन करके फिर टू की चैन बुन करके कि इसमें डालना है, ये जो थ्री है इसमें डाल करके, वन टू थ्री इसमें डाल करके बुनना है, तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, इसमें टू हो जाएंगे, फिर टू की चैन, फिर टू, फिर टू की चैन, फिर टू, थ्री के हो जाएंगे इसमें, फिर टू की चैन, इसमें थ्री के, इस तरह से फिर टू की चैन और इसमें थ्री का, तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं, ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन वन करके यहां से जोड़ देना है, जो थ्री की चैन थी फर्स्ट वाली चैन से, येलो कलर का धागा कट करेंगे, व्हाइट कलर से बुनेंगे, इसमें डाल करके सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, फिर टू चैन, टू चैन वन करके इसमें बुनना है हमें वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, अब इसमें बुनेंगे टू डबल क्रोशिया, वन, फिर इसी में डाल करके बुनना है टू डबल क्रोशिया, इसमें बुनेंगे टू डबल क्रोशिया, वन, फिर इसी में डाल करके बुनना है टू डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे, वन, फिर से देखिए, वन, टू, पहले इसमें वन डबल क्रोशिया बुनेंगे, टू की चैन सिंगल क्रोशिया के साथ इसी में डाल करके जोड़ देंगे, फिर टू चैन बुनना है, टू चैन बुन करके इसमें डाल करके सिंगल क्रोशिया बुनना है, फिर टू चैन, टू चैन बुन करके फिर इसी में डाल करके वन डबल क्रोशिया बुनना है, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से, फिर इसमें बुनेंगे टू डबल क्रोशिया, वन, टू, फिर टू डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे, टू डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे, इसमें वन डबल क्रोशिया बुनेंगे, टू चैन बुनेंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ इसी में जोड़ देंगे, फिर टू चैन बुनेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, फिर टू चैन, फिर वन डबल क्रोशिया, तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ये राउंड कंप्लीट करके बहन यहां से टू चैन जो बुन करके फिर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है, ये व्हाइट कलर का धागा कट करके ग्रीन कलर का धागा ग्रीन के ऊपर यहां से जोड़ेंगे, टू येलो की है और टू व्हाइट की है, इसी से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है, इसी तरह से बुनेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर चैन बन करके वन टू थ्री इसी में डाल करके टू से फंदा निकालना है, फिर टू से, टू ए, वन टू थ्री इसी में डाल करके इस तरह से टू से फंदा, फिर टू से, फिर टू से, फिर टू से, थ्री हो गए, बीच में थ्री की चैन है, वन टू थ्री, वन टू थ्री इसी में डाल करके फिर से बुनना है, टू से फंदा निकालना, फिर टू से, फिर टू से, फिर टू से, वन हुआ, टू से फंदा निकालते जाएंगे, टू,
फिर से इसी में डाल करके बुनना है, टू से फंदा निकालते जाएंगे। थ्री हो गई, फिर फाइव की चैन बुनना है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये थ्री थे, अब हमें फोर, ये फोर पत्ती बनानी है इसके लिए चैन। पहले हमने फाइव की चैन बुननी है, फाइव की चैन बुन करके यहां से देखिए वन टू थ्री फोर, यहां से फोर तुम्हें डाल करके सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर फाइव चैन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन इसमें भी थी, फिर वन टू थ्री फोर फाइव इसमें डाल करके जोड़ेंगे यहां से। फिर फाइव चैन बुनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन बुन करके फिर वन टू थ्री, यहां से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव यहां से जोड़ेंगे। यहां पे सिक्स में बैंड जोड़ना है, यहां से जोड़ने के बाद वन टू थ्री, थ्री इधर हो गई, वन टू थ्री इसमें जोड़ेंगे, यहां से जोड़ देंगे, ये देखिए। फिर से देखिए बहन, वन टू थ्री फोर, इसमें फोर में हमने जोड़ा, उसके बाद में यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव में जोड़ देंगे, एक स्ट्राइक इसमें डाल करके जोड़ देंगे यहां से इस तरह से, ये देखिए। फिर बुनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव की चैन बुन करके फिर वन टू थ्री, वन टू थ्री यहां से जोड़ देंगे, तो इसमें थ्री हो जाएंगे, इसमें टू ही रहेंगे यहां पे इस तरह से। फिर बुनेंगे फाइव चैन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव की चैन बुन करके फिर उसी तरह से फंदा लेना है और इसमें डाल करके बुनेंगे जैसे इसमें बुना है। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर, ये राउंड कंप्लीट करके यहां से लास्ट में जो थ्री की चैन थी उसी के फर्स्ट वाली चैन से जोड़ दिया है। अब इस तरह से येलो कलर की ऊन से बुनेंगे, यहां से जोड़ लेंगे, वन टू थ्री फोर, चैन इस तरह से बुनना है, टू थ्री इसमें डाल करके फंदा निकालेंगे, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से निकालना है, फिर टू से, फिर टू से, फिर देखिए टू की चैन थी तो टू की चैन बुनना है, टू की चैन बुन करके फिर इसी में डालेंगे वन टू थ्री, फंदा लेकर के टू से, टू से, फिर टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से, वन टू थ्री, टू से फंदा निकालते जाना है, ये टू हो गए, फिर टू की चैन, फिर इसी में डाल करके बुनेंगे, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से, फिर टू से, फिर टू से निकालना है, वन टू थ्री इसी में डाल करके टू से निकालेंगे, फिर टू से, फिर टू से, फिर टू से, फिर टू की चैन, टू की चैन बुन करके इसमें डाल करके बुनेंगे, इसमें बुनने के बाद फिर टू की चैन बुनेंगे, इसमें बुनेंगे, फिर टू की चैन, फिर इसमें बुनेंगे, तो इस तरह से बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वन टू थ्री फोर, फोर चैन थी, टू की चैन बुन करके बहन इसी तरह से इस थाल पोस्ट को आप जितना बड़ा बुनना चाहो बुन सकती हो, पहले वन, फिर टू, थ्री, फिर फोर, उसके बाद फाइव, फिर सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इस तरह से हर लाइन में एक एक पत्ती बढ़ती जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जो बहन पहली बार चैनल पर वीडियो देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की नई नई डिजाइनें आपको इस चैनल पर सीखने को मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।